हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगिता। वेलकम टू अवर चैनल ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु। तो आज आप लोगों को मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में लेकर आई हूँ जो कि स्पेशली नेचर लवर्स के लिए प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि मैं तो ये कहूँगी कि एक हेवन रहेगा नेचर लवर्स के लिए। इस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा लीला ऑर्किड ग्रीन्स। नाम से ये शो होता है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है ग्रीनरी मिलने वाली है। तो इसकी सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं। ये सेक्टर 115 मोहाली में रहेगा, खरड़ लांडा रोड के ऊपर। अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की ओवरऑल बात करेंगे तो ये 6.25 एकर्स का प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें गाइस 1.5 एकर्स का आपको प्रॉपर्ली ग्रीन एरिया मिलेगा, जिसमें गाइस बिल्डर ने 2000 जो है प्लांट्स को प्लांट किया है, जिसमें से 500 प्लांट्स ऐसे रहेंगे जो कि हर्बल प्लांट्स रहेंगे, जो कि आपको बहुत ही कम सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा प्लस फैक्टर जो है ये वहाँ पे बन जाता है इन्वेस्टमेंट करने का। इसके अलावा इसकी कुछ अमेनिटीज़ भी रहेंगी, जो कि 9000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहेगा, जिसके अंदर ये लोग इंडोर स्विमिंग पूल दे रहे हैं, आपको जिमनेजियम दे रहे हैं, बैंकेट रहेगा, रूफ टॉप पे रेस्टोरेंट रहेगा, ओपन टू स्काई रहेगा, ओपन थिएटर का भी यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा 450 मीटर का जॉगिंग ट्रैक्स रहेगा, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया, ये सारी की सारी अमेनिटीज़ जो है सोसाइटी के अंदर रहेगी। और सबसे बड़ी बात गाइस, ये सोसाइटी में ऑलरेडी 50 प्लस फैमिलीज जो है यहाँ पे रह रही हैं। इसमें गाइस आपके पास जो ऑप्शन रहेंगे वो 3 BHK का ऑप्शन रहेंगे, जिसका साइज़ रहेगा 1650 स्क्वायर फीट का एरिया, जो कि माइवन टेक्नोलॉजी के साथ हम लेकर आ रहे हैं। तो आज आपको मैं शो करूँगी सेम सैम्पल फ्लैट 1650 स्क्वायर फीट का। तो आइए चलते सैम्पल फ्लैट की लोकेशन पे। सैंपल फ्लैट में जाने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ कि विद इन सोसाइटी आपको 19 शॉप्स जो है मिलेंगी, जहाँ पे आपको बेसिक नीड्स आपकी फुलफिल हो जाएगी। एंड इसी के साथ साथ 4 टायर की सिक्योरिटी भी आपको सोसाइटी के अंदर जो है मिल रही है। तो आइए अब चलते हैं हम अपने सैंपल फ्लैट की तरफ। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेन रिसेप्शन एरिया पे और वेटिंग एरिया पे। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये आपका वेटिंग एरिया रहेगा और रिसेप्शन एरिया रहेगा, जहाँ पे आपको हमेशा गार्ड जो है अवेलेबल रहेगा 24/7 फॉर सिक्योरिटी पर्पस। एंड अगर वेटिंग लॉन्च भी है ये साथ ही साथ, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई जोमेटो कुरियर बॉय यहाँ पे आ रहा है तो वो यहाँ पे ही आपका वेट करेंगे, आप यहीं पे उनसे इंटरेक्ट करके जो है उन्हें सी ऑफ कर देंगे। या फिर कोई थर्ड पर्सन जिसको आप अपने घर नहीं लेके जाना चाहते, तो उन चीज़ों के लिए जो है ये वेटिंग एरिया आपका जो है यूज़ में आ सकता है। सो गाइस, एक फ्लोर पे आपको 4 अपार्टमेंट मिलेंगे। तो मैं बताना चाहूँगी कि हर अपार्टमेंट की जो है ड्यूल एंट्रेंस आपको मिलेगी। फर्स्ट एंट्रेंस तो आप ये देख ही रहे हैं कि मेन एंट्रेंस ये रहेगी, साथ ही में यहाँ पे आपको एक सेकेंड एंट्रेंस भी मिलेगी। इसका एक प्लस पॉइंट ये होगा कि अगर आपको एक रूम जो है रेंट पे करना है, रेंट आउट करना है, तो वो भी आप रेंटल इनकम से अर्न कर सकते हैं। तो हर फ्लैट के साथ आपको जो है ड्यूल एंट्रेंस मिलेगी। तो आइए चलते हैं सैम्पल फ्लैट के अंदर एंड एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर करती हूँ तो सबसे पहले आ जाता है आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइंग एरिया के बारे में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है इन्होंने सोफ़ाज़ को यहाँ पे जो है प्लेस किया हुआ है, और एक ये जो ब्यूटीफुल सा वास यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया, अलग ही ग्रेस जो है आपके ड्राइंग एरिया को दे रहा है। एंड सामने वाली वॉल की भी अगर हम बात करें तो वुड वर्क के साथ जो मिरर्स का यूज़ हुआ है, बहुत ही अच्छी और अट्रैक्टिव जो है यहाँ पे लुक दे रहा है आपके ड्राइंग एरिया को। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। एंड देन हमारा आ जाता है डाइनिंग एरिया, वो भी बहुत, इसमें भी आपको गाइस 6 सीटर जो है डाइनिंग सेट यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको डाइनिंग एरिया में भी मिल रहा है, बिल्कुल आपके किचन के एडजॉइनिंग रहेगा। तो गरम गरम खाना बनेगा और आप यहाँ पे इजीली जो है खा सकते हैं, इसको इन्जॉय कर सकते हैं। तो एक अच्छी प्लेस आपको यहाँ पे मिल रही है सफिशिएंट स्पेस के साथ। एंड इसमें यहाँ पे डिफरेंट पेंटिंग्स का भी गाइस यहाँ पे यूज़ हुआ है, और इसकी लुक को इंक्रीज करने के लिए। एंड इसी के साथ गाइस आपकी बालकनी भी अटैच रहेगी। सो गाइस, ये आपकी बालकनी रहेगी जो कि अटैच रहेगी आपके डाइनिंग एरिया के साथ। एंड बहुत ही अच्छा स्पेस जो है आपको आपकी बालकनी के अंदर मिल रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ग्रीन ग्रास का यूज़ करके डिफरेंट प्लांट्स को यहाँ पे हैंग कर सकते हो और इसको और ब्यूटीफुल बना सकते हो। ग्रिलिंग की हाइट भी जो आपको मिल रही है वो भी काफ़ी अच्छी हाइट मिल रही है। सो आइए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन।
एंड गाइस अब हम चलते हैं हमारी किचन की तरफ। सो गाइस सबसे पहले एक स्पेस आपके लिए आ जाएगा रेफ्रिजरेटर का। यहाँ पे जैसे रेफ्रिजरेटर प्लेस किया हुआ है तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्रॉपरली आप कितना अच्छा स्पेस आपको रेफ्रिजरेटर का मिल रहा है। देन ये आपकी प्रॉपरली मॉडुलर किचन आ जाएगी। तो सबसे पहले हम अपर कैबिनेट्स की बात करते हैं जिसमें आप स्पेस देखिए गाइस कि काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। एंड इधर भी डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं तो आपको स्टोरेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। एंड ये जो चिमनी आप देख रहे हैं ये आपको एज इट इज़ यहाँ पे मिलने वाली है। इसी के साथ साथ गाइस आपको गीज़र एंड आरओ भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी जो है वेट किचन आ जाएगी जिसमें भी आपके ऊपर स्पेस मिल रहा है यूटेंसिल्स के लिए। तो काफ़ी अच्छे स्टोरेज के आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड लास्ट हमारा रह गया है लोअर कैबिनेट्स, वो भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ आपको यहाँ पे जो है लोअर कैबिनेट्स मिल रहे हैं। तो आपको कोई भी स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। एंड गाइस ये जो कुकिंग स्लैब रहेगी आपकी इसमें भी ग्रेनाइट मार्बल आपको यहाँ पे जो है मिल रहा है। सो ओवरऑल जो किचन है वो फुली मॉडुलर किचन आपको मिल रही है विद अ वेरी गुड स्पेस। एंड इसी के साथ जो है गाइस अटैच आपकी बालकनी भी रहेगी। तो एक बार चलते हैं बालकनी के अंदर। एंड गाइस एक और आपको बालकनी अटैच मिल रही है जो कि आपके किचन के साथ भी अटैच रहेगी एंड आपके एक बेडरूम के साथ भी अटैच रहेगी। तो ये कॉमन बालकनी आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ ये अगेन मिल रही है। इसको अगर आप चाहें तो वॉशिंग एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपरली सफिशेंट स्पेस रहेगा आपके लिए यहाँ पे। एंड ग्रिलिंग की भी हाइट यहाँ पे भी मैं अगेन आपको बोलूँगी कि बहुत अच्छी ग्रिलिंग की हाइट है। और अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके आजकल हैं जिससे आप बालकनीज को डेकोरेट भी कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं आगे, एक्सप्लोर करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। सो गाइज ये देखा आपने ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया एंड किचन। अब हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे हमारा फर्स्ट रूम। सो गाइज ये वही रूम है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब सैंपल फ्लैट की मेन एंट्रेंस दिखाई थी कि आपको यहाँ पे एक ड्यूल एंट्रेंस मिलेगी। तो यहाँ पे जो है आपका सेकेंड गेट आ जाएगा जहाँ से भी आप असेस कर सकते हैं अपने रूम के लिए। एंड जो ये बेड यहाँ पे जो प्लेस किया हुआ है उसके बाद भी बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे जो है बच रहा है। तो बहुत ही अच्छा साइज़ है आपको बेडरूम्स का जो मिल रहा है। सो गाइज़ यहाँ से भी आप कुछ आइडियाज़ जो है ले सकते हैं अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए। जैसे इन्होंने यहाँ पे जो है वॉलपेपर का यूज़ किया है बैक पे, बहुत ही अच्छी लुक जो है आपके बेडरूम की आ रही है। जो वार्डरोब्स यहाँ पे हैं वो स्लाइडिंग डोर के साथ हैं और बहुत ही अच्छा स्पेस वार्डरोब्स के अंदर मिल रहा है। ऊपर भी आपको अच्छे सेक्शंस जो है यहाँ पे मिल गए हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टोरेज की। एंड अगर हम सामने वाले वॉल की भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप बहुत अच्छे तरीके से एलईडी पैनल को यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। नीचे जैसे इन्होंने स्टोरेज के ऑप्शन दे दिए तो आप भी आइडियाज़ को जो है यहाँ से ले सकते हैं कि आपने भी कैसे डिज़ाइन करना है अपने बेडरूम को। एंड इसी के साथ अटैच्ड आपका वॉशरूम भी रहेगा गाइस। तो वॉशरूम में भी आपको सारी की सारी फिटिंग जो है गाइस सारी ब्रांडेड फिटिंग्स मिलेंगी। एंड अगर आप चाहते हैं तो ये पार्टीशनिंग भी करवा सकते हैं अपने वॉशरूम के अंदर। फुल हाइटेड की जो है आपको यहाँ पे टाइल्स मिलेंगी। एंड गाइस इस रूम के साथ भी आपकी जो है अटैच बालकनी रहेगी। सो गाइस ये आपकी अटैच बालकनी रहेगी एंड प्रॉपरली सनलाइट एंड आपको वेंटिलेशन प्रॉपरली आपके रूम में आपको मिलती रहेगी। सो गाइस ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो सेकेंड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो वॉल है, जैसे इन्होंने वुड वर्क का यूज़ किया है यहाँ पे। तो आप भी इस तरीके से जो है ये इस एरिया को जो है डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको फैमिली पिक्चर की वॉल बना सकते हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिलीज़ की जो है पिक्चर प्लेस कर सकते हैं। और बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं वॉल को जो है आप डेकोरेट कर सकते हैं। सो गाइज़ आइए चलते हैं सेकेंड बेडरूम में। सो गाइस सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ की अट्रैक्ट कर रही है वो इसका है कलर थीम। बहुत ही अच्छा कलर थीम जो है यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है। बेड इंटीरियर बहुत अच्छा यूज़ किया है, साथ में इन्होंने जैसे ये ड्रेसिंग टेबल जो है यहाँ पे यूज़ किया है। तो इट्स अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छी लुक आ रही है यहाँ पे। बहुत अच्छा स्पेस आपको जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो आप भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ गाइस मैं कहूँगी एक्सप्लोर मतलब यहाँ से ले सकते हैं कि आप भी अपने घर पे अपने बेडरूम को इस तरीके से जो है सजा सकते हैं। एंड इसी के साथ जो ये आप बालकनी देख रहे हैं ये अटैच आपकी कॉमन बालकनी रहेगी जो कि किचन के साथ अटैच थी जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। एंड इस तरफ आ जाएगा आपका वार्डरोब का सेक्शन जो कि स्लाइडिंग डोर के साथ रहेगा।
जिसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है एंड ऊपर भी आपको जो है कैबिनेट्स मिल जाएंगे। तो ये था हमारा सेकंड बेडरूम, तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट रूम की तरफ। सो गाइज, ये रहेगा आपका एक कॉमन वॉशरूम जो कि आपके थर्ड बेडरूम के साथ भी कनेक्ट रहेगा, एंड अगर आपके जैसे गेस्ट वगैरह भी आते हैं तो वो भी यही वॉशरूम जो है यूज़ करेंगे। इसकी ड्यूल एंट्रेंस रहेगी एंड बहुत अच्छा स्पेस गाइज आपको इस वॉशरूम में जो है मिल रहा है। फुल हाइटेड की टाइल्स रहेंगी विद ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स। तो आइए चलते हैं हम थर्ड बेडरूम की तरफ। सो गाइज, ये आ जाता है आपका थर्ड बेडरूम। तो जैसे कि ये एक सैम्पल फ्लैट है तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि बेड प्लेस करने के बाद भी कितना अच्छा स्पेस जो है यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे अटैच रहेंगे आपकी वार्डरोब्स रहेंगी, सेम एज इट इज़ गाइज आपको वार्डरोब्स मिलेगी जिसमें काफ़ी अच्छा स्पेस आपको जो है इंटरनली जो है मिल रहा है। एंड इसी के साथ यहाँ पे एक सेक्शन आ जाता है आपके एलईडी का, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप भी आइडिया ले सकते हैं कि एलईडी पैनल को कैसे डिज़ाइन करना है। इसी के साथ गाइज, इस रूम के साथ आपकी एक सेपरेट बालकनी भी रहेगी, एंड एज जैसे कि एक मास्टर रूम है तो इसमें इन्होंने सिटिंग का भी अरेंज किया हुआ है, तो जिस और इसके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी यहाँ पे जो है पेंटिंग का यूज़ किया हुआ है, तो आप भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से जो है इस रूम को डेकोरेट कर सकते हैं और भी काफ़ी अच्छे तरीके से आइडियाज़ को एक्सप्लोर करके रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। एंड बेड के पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉलपेपर जैसे इन्होंने यूज़ किया है, एंड मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्यूब वॉलपेपर्स जो है आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे, एज़ पर योर चॉइस कहीं पर भी आप जो है उसे प्लेस कर सकते हैं, तो ये भी आपको एक अच्छा बेनिफिट जो है मिल रहा है। तो गाइज, ये देखा आपने हमारा 3 BHK का एग्जांपल फ्लैट विद अ साइज ऑफ 1650 स्क्वायर फीट जो कि आपका मैवन टेक्नोलॉजी में यूज़ हुआ हुआ है। अगर मैं अमेनिटीज़ की अगेन बात करूँ तो यहाँ पे आपको 450 मीटर्स का जो है जॉगिंग ट्रैक्स रहेगा, 9000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहेगा जिसमें इनडोर स्विमिंग पूल, बैंकेट हॉल और रूफ टॉप पे आपका रेस्टोरेंट रहेगा दैट इज़ ओपन टू स्काई, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है मिल रही हैं। सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी ग्रीनरी को दी गई है, 1.5 एकर्स का ग्रीन पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा जिसमें 2000 प्लांट्स को यहाँ पे इन्होंने प्लांट किया गया है विद 500 हर्ब प्लांट्स। तो आई होप गाइज आपको ये फ्लैट जो है पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु। थैंक यू।